नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके वाला पे। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ फरवरी 2020 के। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षाओं में इनमें से बहुत अधिक आने के चांसेस हैं, स्पेशली एसएससी सीएचएसएल परीक्षा के पेपर जो कि जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं और इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने के बहुत अधिक चांस है। तो सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और पूरा वीडियो देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किस देश के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शंस हैं मिस्र, यूनान, रूस या युगांडा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मिस्र। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका किस देश को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया? ऑप्शन है ब्रिटेन, म्यांमार, चीन या रूस। तो यह चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा साझेदार बना है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 17 फरवरी, 21 फरवरी, 12 फरवरी या 22 फरवरी। तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है जी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अंजलि पटेल, जावेद अशरफ, राजेश अग्रवाल या राकेश सिन्हा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जावेद अशरफ, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो किस देश के साथ किया जा रहा है, इसके ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, जापान या रूस। तो इसका जो आयोजन है वो इंग्लैंड के साथ किया जा रहा है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब किस उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न कॉलेजों एवं स्कूलों के प्रबंधन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कॉलेज एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक गतिविधियाँ बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं और आए दिन किसी न किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन या किसी न किसी प्रकार का उत्पाद होता रहता है। तो इसके लिए स्कूल प्रबंधन और कॉलेज प्रबंधन ने कुछ याचिकाएं दायर की थी, जिसके विहार पर यह निर्णय लिया गया कि इन आंदोलनों को अब कॉलेज में प्रतिबंध लगा दिया गया है, अब इस प्रकार के आंदोलन नहीं हो सकते हैं। और यह किसने लगाया है रोक? केरल उच्च न्यायालय ने, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा 2022 में किस शहर में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी एवं तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शंस हैं मोहाली, चंडीगढ़, भोपाल या दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़, ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह खिलाड़ी कौन है जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी बन गया? ऑप्शंस हैं विराट कोहली, रॉस टेलर, रोहित शर्मा या सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रॉस टेलर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजीव बंसल को किस एयरलाइंस का चेयरमैन व एमडी नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं एयर इंडिया, इंडिगो, गो एयर या स्पाइस जेट। तो राजीव बंसल को एयर इंडिया का चेयरमैन व एमडी नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का नया वित्त सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं शशिकांत दास, अजय भूषण पांडे, हसमुख अधिया या राजीव ठाकुर। तो अजय भूषण पांडे को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्त कि सभी प्रकार के नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, परंतु एक रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शंस हैं आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, रणवीर सिंह या अक्षय कुमार। तो किसे यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था दोस्तों? रणवीर सिंह को यह अवार्ड मिला था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया गया था? ऑप्शन है इसके उरी, गली बॉय, आर्टिकल 15 या वॉर। तो इसको दिया गया है गली बॉय को। गली बॉय के ही अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, जो कि रणवीर सिंह थे। बेस्ट एक्ट्रेस भी आलिया भट्ट को मिला है, वो भी गली बॉय से मिला है, और इस फिल्म को भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाडू नेडू योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यह सेवा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के प्रस्ताव से अलग हो गया? ऑप्शन हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो श्रीलंका इससे अलग हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन हैं 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी या 29 फरवरी। तो कब मनाया गया दोस्तों? 28 फरवरी को मनाया गया। ये हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या लखनऊ। तो इसका आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया था कृषि मंत्री द्वारा, जिसमें अलग अलग क्षेत्र से किसान आके वहाँ के सामग्रियों का एक तरह से प्रदर्शनी लगाई गई थी। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? ऑप्शंस हैं भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने जीता है ये। भारत को फाइनल में बांग्लादेश ने हराया, और बांग्लादेश ने पहली बार कोई आईसीसी का खिताब जीता है, और भारत इसमें रनर अप रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को आधिकारिक नाम क्या दिया गया है?
ऑप्शन ए कोविड-19, ऑप्शन बी HIV-19, ऑप्शन सी कोरोना-19 या ऑप्शन डी एलिसा। तो इसको कोविड-19 का नाम दिया गया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमारे ये 20 क्वेश्चन ही समाप्त होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैंने बहुत ही अच्छे से इसको सेलेक्ट करके लिए थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इस तरह की और भी आने वाली वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।